प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दिया था अबाउट एल्गी। जितना इंट्रोडक्शन हो सकता था आपके क्लास के अकॉर्डिंग वो सब कुछ हमने एक्सप्लेन किया था पिछली क्लास में, ठीक है। और ये जो थ्री क्लासेस हैं, थ्री जो मेजर क्लासेस हैं एल्गी के अंदर, इसको आपने सीखा था पिछली क्लास में। मतलब हमने इनको क्लासीफाई किया था कि इनका क्लासिफिकेशन जो है वो होना कैसे है, ठीक है। तो मैंने डिटेलिंग नहीं करी थी, मैं ऐसा नहीं बोल रही कि मैंने क्लोरोफाइसी, थियोफाइसी, रोडोफाइसी जो है कंप्लीट डिस्क्रिप्शन दे दिया। डिस्क्रिप्शन हमने नहीं किया था, बट हाँ जिसकी वजह से डिस्क्रिप्शन आसान लगे तो उसके लिए मैंने आपको ये आपकी टेक्स्ट बुक से ये टेबल मैंने आपको याद कराया था प्रीवियस लेक्चर में, याद होगा आपको, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी है। एक ना मैं आपको कॉमन सेंस बताती हूँ। देखिए अब सपोज कीजिए यही सेम काम मैंने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में बताया था जब मैं आपको फाइव किंगडम्स के बारे में पढ़ा रही थी। तो फाइव किंगडम्स के बारे में सारे फीचर्स को याद कराने के बाद मैंने आपको एक बात बोली थी, अगर याद हो किसी बच्चे को, मैंने ये बोला था कि इस फाइव किंगडम में आपको जितने बेसिक फीचर्स दिख रहे हैं सबको आप जब इनकी बारी आएगी, जब किसी किंगडम के बारे में स्पेसिफिकली आपको लिखना होगा तो आप ये सारे फीचर्स को वहाँ पे कॉपी करके लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ मैम, एग्जैक्टली उसी तरीके से हाँ जब क्लोरोफाइसी की बात आएगी तो मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, हम लोग फर्स्ट पॉइंट नहीं लिख सकते ऑल द मेंबर्स ऑफ क्लोरोफाइसी आर कॉमनली कॉल्ड एज ग्रीन एल्गी, ठीक है। द मेजर पिगमेंट्स आर क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग ऑफ सोलर एनर्जी। द स्टोर्ड फूड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च विच इज अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज विच इज ऑल्सो अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। If flagella is present, then the number of flagella may be 2 to 8, which are equal in sizes and the positioning is apical. ठीक है? The habitat is habitat, हालांकि सबसे पहले लिखा जाएगा. Habitat is fresh water, brackish water and salt water. तो क्या conclusion निकला? 1, 2, 3, 4, 5 and 6. और एक जो आपके पास क्लास है एलगी की, उसके ऊपर एग्जाम में नोट्स लिखने को 3 मार्क्स से ज़्यादा का क्वेश्चन नहीं आता। अगर आपको स्पेसिफिकली एक लिखना हो तब भी 3 मार्क्स, अगर ये टेबल आपको एग्जाम में बनाना हो तो 5 मार्क्स का आ सकता है। ऐसे मोस्टली ये टेबल भी जो टीचर्स हैं वो 3 मार्क्स नहीं देते हैं, ठीक है। तो ये क्योंकि जो 5 मार्क्स है वो इस चैप्टर का लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म्स लेके जाता है मोस्टली, और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे टॉपिक्स और भी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कितना अच्छा हो गया जो मैंने आपको ये टेबल कराया सबसे पहले। तो अब आपको ये समझ आ रहा होगा कि मैंने जो आपको सबसे पहले टेबल सिखाया था उसका सिग्निफिकेंस एक्चुअली है क्या सही में, ठीक है। तो यहाँ पे क्लोरोफाइसी पहले हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, देन थियोफाइसी, देन रोडोफाइसी, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे क्या है डिफरेंट है एक दूसरे से, बस सिमिलैरिटी ये है कि सब के सब क्या है फोटोसिंथेटिक होंगे, जिसकी वजह से हमने इनको प्लांट के सबसे प्रिमिटिव और बैकवर्ड कैटेगरी में, दैट इज एल्गी के अंदर हमने इनको प्लेस करके रखा हुआ है, ठीक है। तो जब यहाँ पे बारी आती है जब हम लोग देखना और सीखना स्टार्ट करते हैं क्लोरोफाइसी के बारे में, ठीक है। तो बच्चों को मैं एक बात बोलती हूँ, मैं कहती हूँ एनिमल किंगडम भी जैसे जब मैं पढ़ाऊँगी आपको उसमें भी मैं बच्चों को एक ही चीज़ सिखाती हूँ, क्या उनको कहती हूँ कि अगर आपको एक टीचर के बारे में लिखना है, ठीक है, तो आपको एक काम बेसिक सा सबसे छोटा सा काम करना है, उसके कैटेगरी को बिलोंग करने वाले किसी एक मेंबर को उठाना है और उस एक मेंबर को उठाने के बाद आपको उसके जो जो से फीचर्स दिखते हैं उन सारे फीचर्स को आपको वहां पे कॉपी कर देना है, लिख देना है। नहीं समझ आया क्या बोला मैंने, मैं दूसरा एग्जाम्पल देती हूँ। अब मैंने आपको बोला मैं आपका टेस्ट ले रही हूँ, मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया कि राइट अ नोट ऑन बेसिक फीचर्स ऑफ मैमल्स, ठीक है। जब मैं मैमल्स के बेसिक फीचर को लिखने के लिए नोट्स दे रही हूँ दैट मीन्स कि आप एक बार को ज़रूर सोचेंगे, आपके दिमाग में एक बात ज़रूर आएगी, क्या आप सोचेंगे अच्छा मैमल तो मैं भी हूँ तो थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि मेरा क्या बेसिक फीचर है। ऑटोमेटिकली वहाँ पे 4 to 5 points जो है आपको आ जाएंगे, यस और नो। आप लिखेंगे कि बॉडी पे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, डायफ्राम होगा, yes, है ना, ये सारे बेसिक फीचर जो है वो सब कुछ। आपका नर्वस सिस्टम कहाँ होगा, डॉर्सल साइड में होगा। आपका हार्ट कहाँ है, वेंट्रल साइड में है। आपके पास क्या है, पोस्ट एनल टेल है। और एम्ब्रियोनिक स्टेज में क्या था, एम्ब्रियोनिक स्टेज में पेरेंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं।
सेम वही मेरा यहाँ पे बोलने का मतलब है कि जब आपको लिखना ही है और पढ़ना ही है, ठीक है, तो सबसे अच्छा काम ये है कि उस कैटेगरी को बिलोंग करने वाले एक मेंबर के बारे में पूरा मतलब डेटा जो है ना उसको आपको रखना है। उससे होना कुछ नहीं है, होना बस इतना है कि आसान हो जाएगा वो टॉपिक आपके लिए, आसान ही नहीं बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्लोरोफाइसी में सबसे पहले क्लोरोफाइसी की जो हम लोग स्पेलिंग लिखते हैं ना CHLORO, तो क्लेमाइडोमोनास भी जो है ये CH से ही स्टार्ट होता है। तो बच्चों को बोलती हूँ सबसे पहले इसको तो दिमाग में बिठाइए कि अगर हम क्लोरोफाइसी लिख रहे हैं तो हम लोग इसको क्या करेंगे, यहाँ पे क्लेमाइडोमोनास से स्टार्ट करते हैं ताकि आपको समझने में, देखने में, सीखने में आसानी हो जाए, है ना। तो हम लोग इसको इसी से स्टार्ट करते हैं, क्लेमाइडो मतलब ये जो एग्जाम्पल है आपको जैसा यहाँ पे दिख रहा है उसके बेसिक फीचर से हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले तो जो टेबल मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में सिखा रखा है उससे हम लोग पॉइंट्स उठाएंगे, क्लोरोफाइसी, ठीक है। क्लोरोफाइसी, क्लोरो यहाँ भी लगा हुआ है और यहाँ भी क्लेमाइडोमोनास है, तो इससे याद हो जाएगा, एक एग्जाम्पल याद हो गया सबको, है ना, ये बेनिफिट हो गया स्पेलिंग देख के। तो ये जो क्लोरोफाइसी है शॉर्टकट में लिखेंगे, और स्टेटमेंट बनाना तो बच्चों से अच्छा किसी को आता नहीं है, वो आप खुद भी बना सकते हैं एग्जाम में, है ना। तो शॉर्टकट में बोलने का मतलब है सिर्फ ऐसे लिखेंगे हम लोग, कॉमन नेम, साधारण नाम क्या है इसका, आप क्या बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं आप, तो आप इसको ग्रीन एल्गी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ग्रीन एल्गी बोलते हैं, ठीक है। सारे पॉइंट्स मैंने याद करा दिए हैं, हाँ कुछ पिक्यूलियर फीचर है जो मैं आपको बताना स्टार्ट करूंगी अभी, ठीक है। दीज आर ग्रीन एल्गी, क्या है ये, ग्रीन एल्गी है, कौन है, क्लोरोफाइसी है, ठीक है। देन उसके बाद आते हैं इसके मेजर पिगमेंट के ऊपर, ठीक है। जब मेजर पिगमेंट के बारे में हम लोग बात करते हैं उससे भी पहले सबसे पहले हैबिटेट लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, हैबिटेट लिखा जाता है। कोई भी चीज़ जब लिविंग है ना, अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, प्लांट है, तो जब भी उसके बारे में कोई नोट लिखना हो तो सबसे पहले ना हैबिटेट लिखा जाता है, भी पाया कहाँ जाता है। जैसे आपसे कोई मिलता है सबसे पहले तो पहला क्वेश्चन क्या होता है, मान लीजिए आप स्कूल में गए, आपका कोई फ्रेंड है, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा व्हाट्स योर फादर्स नेम, वो बच्चा सबसे पहले आपसे यही क्वेश्चन पूछेगा, आते कहाँ से हो, रहते कहाँ हो, मतलब मोस्टली जनरली जो है यही चीज़ निकलती है। उसके बाद जो है बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम सोचना या समझना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हैबिटेट के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो हैबिटेट में जो टेबल में आपने सीखा है उसी से हम लोग यहाँ पे शॉर्टकट में लिखेंगे। मैंने काफ़ी एक्सप्लेनेशन दिया था इसके बारे में, फ्रेश वाटर साथ के साथ मैं एक्सप्लेन भी करती चल रही हूँ। फ्रेश वाटर का साफ सीधा सा मतलब है ऐसा वाटर जिसकी सैलिनिटी काफी कम है, ठीक है। देन हम लोग यहाँ पे बात करते हैं ब्लैकिश वाटर, ब्रैकिश वाटर, हाँ, जिसमें आपको कंफ्यूजन थी, जो आप पिछली क्लास में बोल रहे थे ठहरा हुआ पानी, वैसा कुछ भी नहीं है। ब्रैकिश वाटर का मतलब है द वाटर विच कंटेन्स मोर सैलिनिटी देन फ्रेश वाटर एंड लेस सैलिनिटी देन मरीन वाटर, मैराइन वाटर। हाँ, तो ये इसमें भी पाया जाएगा और सॉल्ट वाटर या सॉल्टी वाटर में भी ये पाया जाएगा, ठीक है। तो ये तो एक छोटी सी बेसिक बात हो गई, इसमें लिखने में ऐसा नहीं कोई रॉकेट साइंस आपको अप्लाई करना, ठीक है। देन उसके बाद जब हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं तो सवाल ये उठता है कि ये जो एल्गी है क्या क्या इसके पास स्पेशलिटी है, क्या क्या इसके पास प्रेजेंट हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, आपको अगर क्लासिफिकेशन के बारे में एक बात पूछा जाए, दुनिया में जब कभी भी कहीं भी कोई भी क्लासिफिकेशन होता है, ठीक है, तो सवाल ये उठता है कि क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया क्या है, बेसिक क्राइटेरिया क्या है क्लासिफिकेशन का, ठीक है। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल, ये कई बार मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, सपोज कीजिए कि आप इंडियन आइडल के सिंगिंग ऑडिशन में चले गए, ठीक है, वहाँ आपका सिलेक्शन हो गया और दो तीन महीने के सारे राउंड को क्लियर करने के बाद आप इंडियन आइडल बन गए, ठीक है। लेकिन आपने जो बोर्ड एग्जाम दिया आप उसमें फेल कर गए, तो बोर्ड एग्जाम के जहाँ से रिजल्ट आउट हुआ है आप वहाँ जाएंगे बोलेंगे कि भाई मैं तो वहाँ तो टॉपर हूँ, मैं वहाँ तो मैंने सिंगिंग में टॉप किया है तो यहाँ भी टॉप कर दूंगी, क्या उससे उसका कोई लेना देना है क्या, नहीं। नो मैम, आपने अगर सिंगिंग में अगर टॉप किया है तो उससे आपके रिजल्ट का, वो बोलेंगे भाई तुमने सिंगिंग में किया है ना तो सिंगिंग का क्या रोल है पढ़ाई लिखाई में। तो मैं ये क्यों एग्जाम्पल दे रही हूँ, इसलिए एग्जाम्पल दे रही हूँ कि मेरा यहाँ पे ये बताने का मोटिव है कि जब हमने इन एल्गी को क्लासिफाई किया था, आपको पता है हमने किस बेसिस पे क्लासिफाई किया था इसको, इसके पिगमेंट के आधार पे किया था,
कल को जाके आपसे क्वेश्चन पूछा, जैसे जब मैं पांचों किंगडम को क्लासिफाई कर रही थी तो मैंने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन सिखाया ना आपको उसके लिए, एग्जैक्टली उसी तरीके से यहाँ इसके बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो इनका क्लासिफिकेशन हमने इनके पिगमेंट के आधार पे किया है। ठीक है, मैं लिख रही थी तो मैंने सोचा हो सकता है कल को जाके आपको एमसीक्यू क्वेश्चन में देखने को मिले, तो मैंने आपको ये बात भी बता दी। अगर आपसे कोई क्राइटेरिया पूछता है साफ सीधी सी बात बोलेंगे, इनको इनके पिगमेंट के बेसिस पे हमने क्लासिफाई करने का काम किया है, एंड द मेजर पिगमेंट्स आर क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। ठीक है, ये क्या है इसके पास मेजर पिगमेंट्स है। ठीक है, देन अब यहाँ पे हम इनके शेप के ऊपर आते हैं। ठीक है, शेप के ऊपर आने का मतलब ये है कि अगर हम यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट की बात करते हैं, क्लोरोप्लास्ट तो जब मैं आपको सेल चैप्टर पढ़ाऊंगी ना वहां भी यही बात मैं आपको सिखाऊंगी, वहां भी साफ साफ लिखा हुआ है, आप जब टेक्स्ट बुक पढ़ना स्टार्ट कीजिएगा कि क्लोरोप्लास्ट जो है वो क्या करेगा, वेरियस टाइप ऑफ शेप को अक्वायर करने का काम करता है। ठीक है, तो ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट भी कैरी करने का काम कर रहा है और क्लोरोफिल तो है ही इसके पास। ठीक है, अब ये जो पिगमेंट है ये क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है, कहाँ प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है। तो एक हम लोग लिख लेते हैं दीज, क्योंकि पिगमेंट का पॉइंट अभी चल ही रहा है तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, दीज पिगमेंट्स, दीज पिगमेंट्स आर लोकलाइज्ड इन क्लोरोप्लास्ट। कहाँ मिलेगा आपको, क्लोरोप्लास्ट में, बहुत स्पेसिफिक और स्पेशल ऑर्गेनेल है। पता है आपको नीट के एग्जाम में आज तक बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो क्लोरोप्लास्ट के ऊपर पूछे गए हैं, जैसे एज फॉर एग्जाम्पल क्लोरोप्लास्ट। अच्छा, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, एक नाइन्थ क्लास का छोटा सा क्वेश्चन पूछूं, जेनेटिक मटेरियल कहाँ पाया जाता है, सेल में जेनेटिक मटेरियल कौन कैरी करता है, मैम इन द डीएनए, मैम न्यूक्लियस पे पाया जाता है, न्यूक्लियस के अंदर, विद इन द न्यूक्लियस, कहाँ होगा, मैंने आपको साइट ऑफ अकरेंस ऑफ क्रोमोसोम्स, तो न्यूक्लियस, इसमें तो कोई डाउट नहीं किसी को ना, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहा है, ये सबको पता है, राइट। उधर से म्यूट करेंगे, यहाँ पे ये जो क्लोरोप्लास्ट है इसके पास पता है स्पेशलिटी क्या है, क्लोरोप्लास्ट कंटेन्स इट्स ओन डीएनए, इतना स्पेशल ऑर्गेनल है ये, मैं नीचे नोट करके स्टार बना के मैं लिख देती हूँ। ठीक है, ये कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके कितने आज तक क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं आप सोच भी नहीं सकते, तो मैं यहाँ नीचे नोट करके लिख देती हूँ, क्लोरोप्लास्ट is referred as autonomous mob. Autonomous का क्या मतलब होता है? What is the meaning of autonomous? सोचिए। Not controlled by anyone. मतलब उसको ना regulate करने के लिए या regulate खुद होने के लिए किसी के ऊपर depend करने की जरूरत नहीं है। तो nucleus is the autonomous structure. तो यहाँ पे हम इसको सेमी ऑटोनोमस बोल रहे हैं, आप सेमी ऑटोनोमस इसलिए बोल रहे हैं, न्यूक्लियस की जगह तो ले नहीं सकता, लेकिन इतना पावरफुल तो है कि ये अपना डीएनए खुद कैरी कर रहा है। तो क्लोरोप्लास्ट इज रेफर्ड एज सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल ऑफ द सेल बिकॉज इट कंटेन्स its own genetic material, because it contains its own अपना genetic material है इसके पास, बहुत बड़ी बात है ये, बहुत बड़ी बात है, its own DNA। अच्छा, chloroplast आपको कहाँ मिलेगा, prokaryote में मिलेगा या eukaryote में मिलेगा? prokaryote में तो नहीं मिलेगा। क्यों नहीं हो पाएगा प्रोकैरियोट में, बताइए मैम? क्योंकि प्रोकैरियोट बहुत ही सिंपल है स्ट्रक्चर में, प्रोकैरियोट मैम, यूकैरियोट तो मैम एडवांस नहीं, नहीं मैम हो सकता है मैम, मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होगा,
देखिए प्रोक्रियोट में ना एक कहावत मैं बार बार बोलती हूँ ना आपको पढ़ाते वक्त, ठीक है, कहावत बोली जाती है, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, हमेशा बोलती हूँ ना मैं मैम, आपको, कोई बैक्टीरिया तो मैम फोटोसिंथेसिस करता है ना। देखिए सबसे पहली बात ये है, कभी अगर आपको ऐसे कंफ्यूज किया जाए, ठीक है, तो सबसे पहली बात आपको ये याद रखनी है कि जब आप प्रोक्रियोट और यूकेरियोट में छठी सातवीं क्लास में, सिक्स सेवन्थ क्लास में जब आप डिफ्रेंशिएट कर रहे थे, वहां पे आप यही बात लिखते थे कि इसके पास मेम्ब्रेन बाउंड कोई भी ऑर्गेनल होगा ही नहीं प्रोक्रियोट के पास, राइट, याद आया? हाँ मैम, याद आया सबको? यस मैम। चांस ही नहीं बनता, कभी सपने में भी ऐसा नहीं सोचना है कि अगर कोई प्रोक्रियोट है तो उसके पास जेनेटिक मटीरियल प्रेजेंट हो सकता, मतलब कोई अगर प्रोक्रियोट है तो उसके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल प्रेजेंट हो सकता है, लेकिन उसमें एक चौंकाने वाली बात क्या है, उसके पास अपना जेनेटिक मटेरियल होता जरूर है, लेकिन जब मैं आपको पढ़ा रही थी तो आपने सीखा है कि इसका जेनेटिक मटेरियल कैसा होता है, सिंगल सर्कुलर होता है और डबल स्टैंडर्ड तो होगा ही होगा, सिंगल सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड, लेकिन आपको पता है इसके न्यूक्लियस के अंदर नहीं होगा ऐसा जेनेटिक मटेरियल, ये जिसकी वजह से नीट में ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टॉपिक को, ये रीजन है क्योंकि बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है। देखिए मैं वापस बोल रही हूँ, मैंने क्या बोला, मैंने बोला आप पढ़ रहे हैं यहाँ पे क्या, क्लोरोफाइसी मतलब एल्गी, एल्गी है तो क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है, और क्लोरोप्लास्ट है तो इसके पास अपना डीएनए है, क्योंकि मैंने पहले ये घोषित कर दिया कि इसको हम सेल का सेमी ऑटोनोमस स्ट्रक्चर मानते हैं, ठीक है, तो जब सेमी ऑटोनोमस स्ट्रक्चर है तो इसके पास क्या है, सिंगल सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, लेकिन क्या इसी तरह का डीएनए इसका न्यूक्लियस भी कैरी करेगा, नेवर, कभी नहीं, क्योंकि हम इस स्ट्रक्चर को, जिस स्ट्रक्चर को हम पढ़ रहे हैं ये खुद यूकेरियोट है, तो जब ये खुद यूकेरियोट है तो इसके पास सिंगल सर्कुलर इतना बैकवर्ड टाइप का डीएनए होगा, नहीं, उसके न्यूक्लियस में लीनियर और नॉर्मल जैसे डीएनए का शेप आप देखते आए हैं बचपन से आज तक वही प्रेजेंट होता है, सिर्फ इस क्लोरोप्लास्ट, खूब पूछा गया नीट में, ना आपको क्वेश्चन मिले मेरा नाम बदल दीजिएगा, ये क्वेश्चन देखिएगा कितने साल पूछा गया आज तक, ये सिंगल सर्कुलर पूछा गया है, विच टाइप ऑफ डीएनए इज प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट, अब पता है बच्चा सोचेगा अच्छा क्लोरोप्लास्ट यूकेरियोट्स में होता है, अच्छा यूकेरियोट में तब क्या दिक्कत है, फिर तो इसके पास कैसा होना चाहिए, लीनियर डीएनए होना चाहिए, जबकि लीनियर नहीं है बल्कि सर्कुलर है, कैसा है, सर्कुलर है, समझ आया सबको क्या बोला मैंने? Yes, ma'am. समझ आया? और इसको ना सिंगल सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड भी बोलते हैं, या फिर आप इसको बोल सकते हैं स्लैश डाल के मैं यहाँ लिख देती हूँ, इसको कई किताबों में क्या आपके एनसीईआरटी मेजर चैप्टर में लिखा हुआ, और इसको बोला जाता है प्रोकैरियोटिक, दूसरी भाषा में प्रोकैरियोटिक टाइप ऑफ, प्रोकैरियोटिक टाइप ऑफ डीएनए, समझ आया सबको क्या बोलना चाह रही हूँ मैं? यस मैम, रिप्लाई करते चलेंगे साथ के साथ? हाँ मैम, चलिए ठीक है, रिप्लाई करते जाते हैं तो फिर मैं आगे बढ़ती जाती हूँ, आवाज ही नहीं आती, मैं सोचती कहीं ऐसा ना कोई टेक्निकल एरर हो गया हो। मैम थोड़ा सा डाउट था। हाँ बोलिए। मैम यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट आपने बोला कि सेमी ऑटोनोमस स्ट्रक्चर है जो कि मैम यूकेरियोट्स में पाया जाता है, तो मैम इसका डीएनए स्ट्रक्चर मैम प्रोकैरियोटिक क्यों होगा? प्रोकैरियोटिक इसके पास इसलिए प्रेजेंट होता है क्योंकि इसने क्या किया, इसकी एक्टिविटीज जो है जब इवोल्यूशन हुआ प्लांट्स का, तो इसने अपने आप को क्या किया, थोड़ा सा अपने फंक्शन को खुद ही सारे मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने की कोशिश करी, जिसकी वजह से जब शुरुआत में ये बनाना चाहता है, ऑटोनोमस का मतलब हो गया कि क्लोरोप्लास्ट खुद में अपनी दुनिया है, ये खुद ही वहां पे क्या करेगा, डीएनए अगर इसके पास है तो आरएनए भी बनाएगा, आरएनए बनाएगा तो प्रोटीन भी बनाएगा, जिसकी वजह से ये क्या, एक क्लोरोप्लास्ट और एक दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, बाकी सेल चैप्टर में हम लोग करेंगे, इससे मैंने आपको बताया नहीं, इस पूरे दुनिया में पूरे वर्ल्ड में दो ही ऐसे ऑर्गेनल हैं जिनके पास अपना डीएनए होता है, एक क्लोरोप्लास्ट है, एक न्यूक्लियस में तो होगा ही होगा, उसके सिवाय मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, तो ये आपको इन दोनों ऑर्गेनल्स में कैसे देखने को मिलेंगे, जब भी मिलेगा आपको तो सिंगल सर्कुलर मिलेगा और डबल स्टैंडर्ड मिलेगा, ठीक है, इसको जब आप पढ़िएगा सीखिएगा तो ये इवोल्यूशन का पार्ट है, वहाँ हम लोग देखेंगे, आगे चले हम लोग, आगे चले Yes,
चलिए अब देखिए यहाँ पे शेप्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट के बारे में हम लोग बात करते हैं। इतने सारे शेप्स इसके हो सकते हैं, काफी आसान है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये डिस्कोइड हो सकता है, मतलब डिस्क लाइक जो होता है ना उसको डिस्कोइड कहते हैं हम लोग। ऐसे फ्लैट चपटा हुआ ना तो हम लोग उसको बोलेंगे प्लेट लाइक हो सकता है। कैसा हो सकता है? प्लेट लाइक भी हो सकता है ये, बस जितना शेप आपको आता है सब लिख दीजिए, मैं तो यही बोलती हूँ बच्चों को। कप शेप्ड भी हो सकता है, कैसा हो सकता है ये? कप शेप्ड भी हो सकता है, ठीक है। स्पाइरल भी हो सकता है, स्पाइरल और रिबन शेप, ये हो गया। बस इतने तरह के इसके जो है शेप्स आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। अलग अलग स्पीशीज में अलग अलग तरह का ये जो है ये पाया जाएगा। अब यहाँ पे जो मैं बेसिक फीचर तो मैं पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन जो मैंने आपको बोला था हर एक एल्गी की कैटेगरी में मैं आपको एक एक पिक्यूलियर फीचर पढ़ाऊंगी और पिक्यूलियर फीचर के बारे में मैं आपको सिखाऊंगी। अब बारी आती है इसके पिक्यूलियर फीचर के बारे में, वो भी थोड़ा बहुत नहीं, काफी स्पेशल पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है मैम। अब हम लोग यहाँ पे बोलना है किसी को कुछ? मैम बोलो, डिस्कॉइड का मतलब? डिस्क शेप्ड, जैसे डिस्क होता है ना डिस्क, जैसे अच्छा, स्पोर्ट्स वगैरह में आपके स्कूल्स में जैसा डिस्क नहीं देखा आपने जो डिस्क थ्रो करते हैं, वैसे शेप का होगा ये, ठीक है। अब देखिए एक स्पेसिफिक फीचर के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने जा रहे हैं, स्पेसिफिक ही नहीं बहुत स्पेसिफिक है, जिसको अगर आप नहीं लिखे तो आपको मार्क्स भी नहीं मिलेगा, क्योंकि पिक्यूलियर फीचर जो है उसको लिखना जरूरी हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो नेक्स्ट समझने वाले हैं वो हम लोग पाइरेनॉइड्स के बारे में लिखने वाले हैं, ठीक है। तो उसके पहले मैं शो कर देती हूँ आपको ताकि आपको समझ आए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस पाइरेनॉइड। देखिए सबसे पहली चीज कि अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पाइरेनॉइड, एक चीज क्रिस्टल क्लियर आपको दिमाग में रखना है कि पाइरेनॉइड इज अ काइंड ऑफ स्टोरेज बॉडी। अब कोई चीज है तो पता तो होना चाहिए व्हाट इज दिस, क्या काम है, क्या नाम है, क्या कर रहा है, क्यों पाया जा रहा है, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे जब आप इसको ध्यान से देखेंगे, इस इमेज को एनालाइज करेंगे, तो आपको क्या समझ आएगा? अच्छा यहाँ पे ऐसा दिख रहा है हमें कि ये पाइरेनॉइड जो है इसने चारों तरफ से क्या किया हुआ है, ये देखिए स्टार्च को यहाँ पे कैरी किया हुआ है। तो ये एक स्टोरेज स्ट्रक्चर है, बीच में प्रोटीन यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर ये कैरी कर रहा है इसको हम लोग पाइरेनॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं? पाइरेनॉइड कहते हैं। लेकिन ये पाइरेनॉइड करता क्या है, कहाँ रहता है, कहाँ पाया जाता है? तो ये पाइरेनॉइड जो है ये क्लोरोप्लास्ट, अब देखिए इसका ये क्लोरोप्लास्ट है ऐसा है, और ये भी क्रेमाइडोमोनस है, पता है आपको एक ही क्लोरोप्लास्ट है इसके अंदर, ये भी स्पेशल पॉइंट है इसका। तो ये पाइरेट, अगर आपसे पूछा गया मेंशन द साइट कहाँ पाया जाता है, तो आपको क्या बोलना है? पाइरेनॉइड्स आर ऑलवेज लोकेटेड इन द क्लोरोप्लास्ट, याद हुआ सबको? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस और फंक्शन ऑफ दीज पाइरेनॉइड? दीज आर स्टोरेज बॉडीज, स्टोरेज का काम करेगा। आपको साफ साफ दिख रहा है स्टार्च है यहाँ पे, क्या लिखा हुआ है? स्टार्च लिखा हुआ। तो स्टार्च क्या है? अब आपके पास, अब ऐसा थोड़ी है कि आपने मान लीजिए दोपहर में आपने लंच किया होगा, ठीक है, अभी रात हो गई, आप सो गए थे, अचानक उठे, आप ऑनलाइन क्लास करने के लिए बैठ गए, हो सकता है आपने दोपहर से लेके अभी तक कुछ खाया नहीं, ऐसा तो नहीं होगा कि आपकी एक्टिविटी बंद हो गई, आप जहाँ थे वहीं स्टैचू की तरह खड़े हो गए, बाइक या स्कूटर की तरह, जैसे कैसे बाइक में पेट्रोल खत्म हो जाए, स्कूटी में पेट्रोल खत्म हो जाए, वहीं खड़ी हो जाएगी, आप उसको लाख चलाने की कोशिश कीजिए वो नहीं चलेगा, ठीक है। तो अगर आपकी बॉडी का एग्जाम्पल ले, लेकिन आपकी बॉडी तो चलती है, तो आपके पास है ना रिजर्व फूड, तो इसी तरीके से एग्जैक्टली कभी मौसम खराब हुआ, सनलाइट नहीं अवेलेबल हुआ, कुछ वाटर स्कैर्सिटी हो गई, कुछ भी हो गया, कोई इमरजेंसी कंडीशन में ये खुद को सर्वाइव तो करेगा ना, है ना। तो ये भी अपने पास क्या रखेगा, ये कुछ ना कुछ रिजर्व फूड जो है वो रखेगा। तो उसके सेंस में हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये क्या है, एक स्पेसिफिक स्टोरेज बॉडी है, क्या है ये? स्टोरेज बॉडी है, ठीक है। मैंने सिग्निफिकेंस भी बता दिया आपको कि क्यों ये वहाँ पे पाया जा रहा है। तो हम लोग जो यहाँ पे करने जा रहे हैं दैट इज पाइरेनॉइड, इससे भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अब पिक्यूलियर फीचर है तो ऑब्वियस से पूछा जाएगा, है ना।
ये पायरेनोइड्स जो है, सबसे पहली चीज हम लोग यहाँ पे साइट ऑफ अकरेंस की बात करते हैं, मतलब कहाँ पाया जाएगा, यही इसमें ही बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं। साइट ऑफ अकरेंस मतलब ये कहाँ पाया जाएगा, तो अगर इसको आप देखेंगे तो ये आपको मिलेगा क्लोरोप्लास्ट के अंदर, साइट ऑफ अकरेंस में लिखे। लोकेटेड इन द क्लोरोप्लास्ट, कहाँ मिलेगा आपको, क्लोरोप्लास्ट के अंदर मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट अगली बात। हाँ बोलिए। मैम यह तो मैम पाइरिनोइड्स के अंदर ही क्लोरोप्लास्ट मिल रहा है, तो मैम क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाइरिनोइड्स कैसे मिलेगा? फिर से बोलिए। मैम इधर इस डायग्राम में दिखा रहा है कि मैम पाइरिनोइड्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट मिलता है। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये आप इस डायग्राम को नहीं समझ पा रहे। देखिए, ये जो आपको यहाँ पे ये शेप दिख रहा है डार्क ग्रीन कलर का, ये एक्चुअल में ये पूरा का पूरा एक क्लोरोप्लास्ट है, समझ गए। और ये पूरा का पूरा जो ओके मैम, क्लोरोप्लास्ट है ना, इसके अंदर है ये। अब आया समझ में, आप समझे। यस मैम, इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर पायरेनॉइड है, पायरेनॉइड के अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं है। ठीक है, तो कहाँ होगा आपको ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, अब ये क्या ओके मैम, है, इसका फंक्शन क्या है या मोटिव क्या है, क्यों पाया जाता है? तो ये स्टोरेज का काम करता है। क्या करता है ये स्टोरेज का, मतलब क्या सिग्निफिकेंस है, क्यों पाया जा रहा है ये। देन क्या है ये, तो इसके बारे में एक आप नीट का क्वेश्चन ढूंढिए तो आपको मिलेगा। ठीक है, वो जानबूझ के ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन दिया जाता है, क्योंकि ये ना मतलब ऐसे आप बोल के भी देखिएगा तो होता ये है कि बच्चे इसमें कंफ्यूज करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ प्रोटीन बिसाइड्स स्टार्च। अब आपको वहां पे क्या किया जाएगा, चार ऑप्शन बनाए जाएंगे इसके। एक में लिखा रहेगा प्रोटीन बिसाइड्स प्रोटीन, प्रोटीन बिसाइड्स स्टार्च, स्टार्च बिसाइड्स प्रोटीन, स्टार्च बिसाइड्स स्टार्च। सेकेंड सुनने ऑप्शन। के बाद, लग रहा है ना कंफ्यूजिंग आपको, तो क्योंकि इसमें आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है, जिसकी वजह से ये क्वेश्चन जो है 2-3 साल आज तक पूछा गया है कि पायरेनॉइड जो स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है उसमें एक्चुअली आप देखते क्या है, तो उसमें एक्चुअली होता क्या है। प्रोटीन बिसाइड स्टार्च क्या होता है, प्रोटीन मतलब ये जो है ना प्रोटीन बिसाइड स्टार्च, इसको कॉपीराइटेड फॉर्म में आप बिल्कुल याद कर लीजिए। इसमें कहीं कोई छेड़छाड़ फेर बदल कुछ भी नहीं करना है, ये है तो है। ठीक है, अब कुछ एल्गी जो है यहाँ पे ऑयल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में भी, अब ये तो हमने बात करी स्टार्च वगैरह है, इसके पास जो है प्रोटीन है तो उसको स्टोर करेगा पायरेनॉइड के फॉर्म में। ठीक है, आगे जब बढ़ते हैं यहाँ पे, तो इसको पायरेनॉइड का ही पेज रहने देते हैं हम लोग, है ना। उस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। नोटेड मैम। चलिए, तो इसके बाद हम लोग यहाँ पे ऑयल ड्रॉपलेट्स के बारे में बात करते हैं। ये जो ऑयल ड्रॉपलेट्स हैं उसके फॉर्म में भी ये क्या कर सकता है, चीजों को स्टोर कर सकता है। ये जब मैं आपको डिटेल में क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर बताऊंगी ना, तो और आपको अच्छे से वहां पे समझ आएगा। उसमें स्पेशली अलग से लिखा ही जाता है ना, ऑयल ड्रॉपलेट्स करके वहां पे गोले गोले सा बना दिया जाता है और ये वहां पे स्टोरेज का काम करता है। ठीक है, तो आगे लिख लीजिए, सम एल्गी में स्टोर देयर फूड इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स, इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में भी ये स्टोर करने का काम करते हैं। ठीक है, अब देखिए ये तो रही बात इसकी, जब हम इसके सिग्निफिकेंस
सेल वॉल के बारे में बात करते हैं आप भाई, प्लांट की कैटेगरी में डाल रहे हैं तो सेल वॉल का जिक्र ना हो ऐसा हो सकता है क्या? सवाल ही नहीं उठता है ना। तो हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं, हेडिंग इज नेचर ऑफ सेल वॉल। नेचर ऑफ सेल वॉल होना ही होना है प्लांट की कैटेगरी में पढ़ रहे हैं। तो इसको जो हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे आप लिख लीजिए एल्गी कंटेन अ रिजिड सेल वॉल मेड अप ऑफ इनर लेयर ऑफ सेलुलोज, इनर लेयर ऑफ सेलुलोज एंड इसके बाहर ना पेक्टोज की भी लेयर होती है, तो कई बार इसको ना शॉर्टकट में पेक्टो सेलुलोज बोला जाता है, एंड एन आउटर लेयर, एक साथ दोनों को मिला के एंड एन आउटर लेयर ऑफ पेक्टोज। अगर आपको दोनों को एक साथ बोलना है तो क्या बोलेंगे हम लोग इसको? पेक्टो सेलुलोज बोला जाता है, ठीक है। विद इन ब्रैकेट इन तो डाल देते हैं, पेक्टो, बीच में हाइफन डाल दीजिए, सेलुलोज सही पाया जाता है ना, इसको नीचे कर। इसका नेचर ऑफ सेल वॉल हो गया कि मतलब अगर सेल वॉल है तो ये चीजें इसमें प्रेजेंट हो सकती हैं। अब फिर वही पार्ट जो ऑलरेडी आप जानते हैं, ठीक है। बोलने का क्या मतलब है? ये मतलब है, देखिए ये इसलिए इंट्रोडक्शन में बच्चों को पढ़ाया जाता है ना, उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है कि मोस्ट ऑफ द एल्गी में जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो यही होना है। तो पहले ही बच्चों को क्या किया जाता है, जो बेसिक है वो बताया जाता है ताकि उनको याद रहे, ठीक है। जैसे सारे देखिए इसमें से जितने पार्ट है ना, ये सब का सब मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में हम लोग लिख सकते हैं। जैसे देखिए ये है, ठीक है, तो हम लोग इसके ऊपर हेडिंग वहाँ क्या डाल देंगे, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। अब बेसिक फीचर है ये, देखिए ये रहा, मैं समझा देती हूँ तुरंत आपको, उसी में थोड़ा सा हम लोग डिटेल करेंगे। चलिए नेक्स्ट पेज ले रही हूँ, यहाँ तक रिटन वर्क हो गया सबका? मैम हाँ बोलिए मैम, ये पेक्टोस क्या है? पेक्टोस एक केमिकल है, जैसे सेलुलोज है ना वैसी पेक्टोस भी है। देखिए पेक्टोस को आप देखिए वैसे दिखेगा आपको, ये रहा ये देखिए पेक्टिन का ये स्ट्रक्चर है। सब आपके ट्वेल्थ में बायो मॉलिक्यूल्स का पार्ट है, इसलिए मैंने इसके साथ पूछ अच्छा नहीं था। यहाँ आपको इसके अंदर दिख नहीं रहा होगा, एक स्ट्रक्चर है, स्पेसिफिक स्ट्रक्चर को ये कैरी करता है। ये रहा आ गया, ये देखिए पेक्टिन है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको एक साथ जब ऐसे एग्रीगेशन में किसी चीज के साथ प्रेजेंट है तो इसको पेक्टोज कह देते हैं हम लोग। बट इसको आपको बनाना नहीं है, इतना आपके सिलेबस में नहीं है तो इसको हटा दिया मैंने। चलिए अब इसके मोड ऑफ रिप्रोडक्शन वाले पार्ट के बारे में हम लोग बात करते हैं, क्योंकि रिप्रोडक्शन तो इम्पोर्टेंट है, हमें ये भी तो सीखना है कि हाउ इट इंक्रीजेज इट्स नंबर, है ना। तो अब हम लोग बात करते हैं इसके मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के ऊपर। चलिए अब ये सारी चीजें जो है ये देखिए मैंने आपको ऑलरेडी सिखा रखा है, बस इसमें थोड़ा सा जो डिस्कशन है वो मैं वापस रिपीट कर देती हूँ, सबसे आज क्लास में कुछ बच्चे ना हो। देखिए सेम पॉइंट जो है यहाँ पे, क्यों हम सारा पॉइंट रिपीट कर रहे हैं, क्या रीजन है इसका बताइए।
इसका सिंपल सा रीजन है कि वो तो एल्गी का ही बेसिक फीचर था ना, तो यहाँ पे सेम बातें हैं कि अगर वेजिटेटिवली कोई ग्रीन एल्गी अपने आप को इंक्रीज करना चाहता है, अपना नंबर बढ़ाना चाहता है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, फ्रेगमेंटेशन करना पड़ेगा, ठीक है। असेक्सुअली अगर वो रिप्रोड्यूस करना चाहता है तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए एक स्पेसिफिक जू स्पोर को कैरी करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है फॉर एग्जाम्पल जू स्पोर, जू स्पोर मे बी फ्लैजिलेटेड। अब जू स्पोर है, इसका बोलने का ही मतलब है क्या, उसके पास फ्लैजिला प्रेजेंट है, ठीक है। अब इसमें मैंने बोला था, थोड़ा सा मैं इलेबोरेशन करूंगी, वो मैंने क्या बोला था तो देखिए, वहां मैंने आपको ये नहीं बोला था कि ये बनता कहाँ है, किसके अंदर बनता है। तो ये जो जू स्पोर है, जिस स्ट्रक्चर के बनता, आप एक बात याद रख लीजिए आज के बाद से, हमेशा के लिए, हमेशा हर जगह पे आपको काम देगा, वापस मैं आपसे पूछूंगी, स्पोरेंजिया मतलब स्पोर बनाने वाला कंपार्टमेंट, बिल्कुल साधारण तरीके से स्प्लिट करके मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो एग्जैक्टली उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे भी लिखेंगे, इसके नीचे ही कर देती हूँ मैं यहाँ पे, जू स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड, जू स्पोर्स आर प्रोड्यूस विद इन द जू स्पोरेंजिया, उसका नाम क्या हो जाएगा, जू स्पोरेंजिया हो जाएगा, जू स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड, आर प्रोड्यूस्ड विद इन द जू स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया मतलब ही स्पोर बनाने वाला कंपार्टमेंट होता है, जू स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड विद इन द जू स्पोरेंजिया का। अब आगे जाके हमें पॉलन ग्रेन बनाना होगा, तो हम उसको जो बनाता है पॉलन ग्रेन, उसको हम माइक्रोस्पोर मदर सेल कहते हैं, ठीक है। हम लोग वहाँ क्या लिखेंगे आगे जाके जब पढ़ाई करेंगे, पॉलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड विद इन द माइक्रोस्पोरेंजिया, जू स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड विद इन द जू स्पोरेंजिया, स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड विद इन द स्पोरेंजिया। समझ आई मेरी बात, मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, जिसके अंदर बनता है उस स्ट्रक्चर का नाम क्या है, जू स्पोरेंजिया है, जू स्पोरेंजिया। सारी बातें हैं, हर तरीके से ये करेगा, मतलब इसमें आइसोगेमी भी होगा, अनआइसोगेमी भी होगा, ओगेमी भी होगा, नीचे बस एक लाइन और ऐड करने की जरूरत है, फिर ये परफेक्ट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे एक लाइन बस ऐड करना है, क्योंकि आप जानते हैं ऑलरेडी, नहीं लिखे तो इनकम्प्लीट सा लगेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो खैर हो ही रहा है इस तरीके से। यहाँ क्या हो जाएगा, कौन कौन से मोड से हो सकता है, इसमें हो सकता है इट मे बी सब मैंने आपको समझा रखा है, मे बी आइसोगेमस, दो बच्चे नहीं थे, सिंपल सी बात समझिए, आइसोगेमस का मतलब है जब दो एक जैसे दिखने वाले गेमेट्स के बीच में फ्यूजन होता है, वैसे गेमेट्स को हम लोग आइसोगेमस कहते हैं, अनाइसोगेमस जब वो टोटली डिफरेंट दिखते हैं, और इसी का एक टाइप है ऊगेमस, बोलने का मतलब है गारंटी हो जाएगी कि मेल गैमेट जो है मूवेबल होगा, मोटाइल होगा, और फीमेल गैमेट जो है वो नॉन मोटाइल है। तो आइसोगेमस, अनाइसोगेमस एंड ऊगेमस, एंड ऊगेमस, क्रिस्टल क्लियर है बिल्कुल, है ना, बिल्कुल साधारण सा सिंपल सा है, कुछ नया ऐसा नहीं है कि कोई एडवांस मैंने यहाँ पे बायोलॉजी लगा रखी है, बहुत सिंपल सी बात है और आसानी से आपको समझ आ रहा होगा मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। ये हो गया, क्लियर है बिल्कुल। एग्जांपल्स पे चले हम लोग, यस मैम, चलिए एग्जांपल तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जहाँ बच्चे फंसते हैं और जहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, वो पार्टी आपका कौन सा है, एग्जाम्पल से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल्स हम लोग लिख लेते हैं फटाफट से, कॉमन से एग्जाम्पल है, और हालांकि इसके लिए मैं बच्चों को एक ट्रिक भी बताती हूँ, देखते हैं, पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं एग्जाम्पल्स, क्लोरोफाइसी। मैम एक स्पाइडो वगैरह हो गया क्या, हाँ देखिए,
देखिए बच्चों को ना मैं एक ट्रिक बताती हूँ इसको याद करने के लिए, मतलब इसके जो जितने भी एग्जांपल्स है ना, ताकि आप एक भी भूले ना एग्जाम में इसके अंदर, ठीक है। बच्चों को मैं ट्रिक ये बताती हूँ, कहती हूँ याद कर लो यहाँ पे इसको एग्जांपल्स को लिखने, क्योंकि वर्ड्स तो आसान आसान से आपने बचपन से सुन रखा है। क्लासी, अब देखिए मैंने यहाँ पे कार लिखा है, कार सी ए आर कार होता ना, ठीक है। और यहाँ पे मैंने एस यू वी लिखा है, एस यू वी ब्रांड की आती ना फोर व्हीलर। तो आपको ट्रिक ये याद रखना है, क्लासी कार एस यू वी, क्लेमाइडोमोनस कारा सी एच ए आर, कई बच्चे इसको चारा पढ़ते हैं तो कारा, ठीक है। उसके बाद जब हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो अब देखिए बीच में मैंने यहाँ पे क्या किया है, एक और ए लिखा हुआ है आपको यहाँ पे, ठीक है। तो जो भी इसमें से वर्ड हैं, जितने भी वर्ड आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, सबसे हम लोग क्या करेंगे, अब एस यू वी है तो स्पायरोगाइरा यूलोथ्रिक्स वोल्वो, तो कार से कारा लिख लेंगे हम लोग, सी एच ए आर ए, क्या लिखेंगे कारा, इससे एक ही कारा लिखेंगे और इन सब से एक एक है, स्पायरोगाइरा यूलोथ्रिक्स वोल्वो, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, बच्चों को इसका एग्जाम्पल जो है वो याद हो जाता है। मैं इसको कंप्लीट कर देते हैं, इसको कर दीजिए क्लेमाइडोमोनस, क्लेमाइडोमोनस। अब जो मैंने यहाँ पे कार बोला था ना, इसको कर दीजिए सी एच ए आर ए, ये बेचारा तो ऐसे सीधा एज इट इज स्पायरोगाइरा, बचपन से सुन रखा है आपने, रिबन जैसा दिखता है ना, स्पायरोगाइरा। यूलोथ्रिक्स मैंने आपको शो कर ही रखा है, ग्लो ग्लोवेल ही नहीं, यूलोथ्रिक्स नहीं, वॉल्वोक्स, क्या है वॉल्वोक्स है, ठीक है। तो ये क्या है, इसकी एग्जाम्पल है, तो आपको लगे हाथ मैंने एग्जाम्पल भी याद करा दिया, नंबर डाल देती हूँ सब में, तब तक आप नोट कर लीजिए। स्पायरोगाइरा तो खैर बिल्कुल रिबन शेप्ड होता है, पता ही आपको, बनाते ही ऐसे ही थे आप, एक रिबन जैसा बनाते थे, उसके अंदर सेल को सेपरेट कर देते थे, ये हाँ बोलते। क्लियर है यहाँ तक, बिल्कुल यहाँ तक कोई डाउट किसी को? नो मैम। चलिए आगे बढ़ते, तो ये हमने ग्रीन एल्गी कंप्लीट किया है, हमने क्या किया ग्रीन एल्गी, आसान हो गया आपके लिए। देखिए मैं एक बार रिवाइज करके आगे बढ़ते हैं, फिर देखिए क्लोरोफाइसी है, ये सिंपल सी बात है, हम लोग अगर इसका साधारण नेम बोलते हैं तो ग्रीन एल्गी है। कहाँ पाया जाएगा, टेबल में आपने ऑलरेडी कर रखा था, फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर, सॉल्ट वाटर में, मतलब हर तरीके के पानी में पाया जाएगा, आपको भी पता, आप भी जानते हैं, ठीक है। मेजर पिगमेंट की अगर हम लोग बात करें तो क्लोरोफिल ए भी पाया जाएगा इसमें, क्लोरोफिल बी भी पाया जाएगा। आगे जाके आप एक एक्सपेरिमेंट करेंगे क्रोमेटोग्राफी का, ठीक है। कई बच्चे मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं कि मैम ये कहीं पे क्लोरोफिल ए लिखा है, कहीं पे क्लोरोफिल बी लिखा है, तो आगे जो है ना आपके आगे क्या मतलब, इलेवेंथ ही क्लास में, आगे तो नहीं, इलेवेंथ में जब आप गए हैं स्कूल में, जब एक्सपेरिमेंट्स होंगे आपके, तो इसमें क्या है, क्रोमेटोग्राफी का एक्सपेरिमेंट करेंगे आप। क्रोमेटोग्राफी में क्या किया जाता है, इस एक्सपेरिमेंट में आपको कोई भी एग्जांपल लेके, सपोज कीजिए आपने लीफ की ग्राइंडिंग करी है, या आपने किसी और चीज़ की ग्राइंडिंग करी है, मतलब प्लांट टिश्यू होना चाहिए वो, अब ऐसा नहीं एनिमल टिश्यू लेके चलेगा, उसमें थोड़ी वक्त लगता है। उसके बाद आपको क्या करना है, क्रोमेटोग्राफी पेपर ही आता है ऐसे जो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है ना, तो इसने उसको क्या करना है, ये तो हालांकि इस बीकर के ऊपर ही रखा हो, बट एक्चुअली में इसको ना ऐसे हैंग करके डिप किया जाता है उसमें, अगर उससे रिलेटेड भी कोई इमेज है मैं कोशिश करती हूँ निकालने की। फिर उसको ना 24 घंटे के लिए छोड़ दिया जाता है,
ऐसे हैंग किया जाता है, ये देखिए क्लिप के थ्रू इस डायग्राम में है बताया हुआ आपको, एक और इमेज हम निकालते हैं, तो ये देखिए हाँ ये इसमें है हैंग किया हुआ, ये सही है ये वाला, तो उसमें तो पड़ी रख दिया निकाल कर। देखिए इसकी बात में करूँ, उसको ऐसे हैंग करके रखा जाता है ठीक है सोल्यूशन में। फिर इसके बाद क्या होता है, ये बिल्कुल रियल एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, ये लैब की फोटो ली हुई है, बिल्कुल सही ऐसा ही दिखता ही है। आपको पता है क्या होता है, नॉर्मल आप जिसको क्लोरोफिल 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 बोल रहे हैं ना, वो इतने सारे फ्रेगमेंट्स में टूटता है, मतलब आपको दिख रहा है यहाँ पे थोड़ा डार्क ग्रीन है, फिर येलोविश हो गया, फिर ऑरेंज जैसा हो गया, फिर रेड हो गया, फिर और थोड़ा सा डार्क यहाँ पे अपियरेंस जो है वो लेके जा रहा है। तो ये सब ना क्लोरोफिल की इतनी सारी वैरायटी निकाली गई, बताया गया क्लोरोफिल ए है तो क्लोरोफिल बी है तो जैंथ्रोफिल है तो कैरेटिनॉइड्स है, ब्राउन एल्गी हम लोग पढ़ेंगे तो सब में देखेंगे ठीक है। अब यहाँ पे पिगमेंट के बारे में जब हम लोग बात कर रहे थे सीख रहे थे, तो पूछा जाता है कि ये सारे पिगमेंट कहाँ पाए जाएंगे, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि क्लोरोप्लास्ट में मिलेगा, कहाँ मिलेगा क्लोरोप्लास्ट में। फिर मैंने आपको एक बहुत अच्छी बात बताई कि अगर हम इस क्लोरोप्लास्ट के बारे में जिक्र करते हैं, इसको हम लोग सेमी ऑटोनोमस स्ट्रक्चर बोलते हैं, आपके पूरे सेल के अंदर सेमी ऑटोनोमस स्ट्रक्चर हम सिर्फ दो ही ऑर्गेनेल को बोलते हैं, एक माइटोकॉन्ड्रिया को आप बोलेंगे, दूसरा क्लोरोप्लास्ट बोलेंगे, तीसरा आज तक सेल का कोई ऑर्गेनेल बना नहीं है ठीक है। इसलिए बोल रहे हैं हम दोनों को, इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसके पास इसका अपना खुद का सिंगल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, जैसा डीएनए इसके खुद के सेल के न्यूक्लियस में नहीं होता, तो ये एक एक्सेप्शनल चीज़ है याद रखने वाली, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। शेप्स के बारे में याद करें तो अपना कॉमन सेंस लगाइए, कोई बच्चा इतना बेवकूफ तो होगा नहीं स्क्वायर शेप लिख के आएगा एग्जाम में, नहीं नॉर्मली मिलते जुलते ये जो ये सब जो शेप है अपना खुद भी कॉमन सेंस लगाइए, तो इस शेप का आपको दिखेगा डिस्कॉइड हो सकता है, चपटा हो गया तो प्लेट लाइक हो सकता है, कप शेप्ड हो सकता है, स्पाइरल हो सकता है, रिबन शेप्ड हो सकता है, ये सारे शेप जो इसके पाए जा सकते हैं ठीक है। देन जब आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो एक इम्पॉर्टेंट हमने यहाँ पे टॉपिक किया दैट इज पायरेनॉइड्स, तो ये पायरेनॉइड जो है ये कहाँ पाया जाएगा, आपको जब भी मिलेगा तो ये भी क्लोरोप्लास्ट के अंदर मिलेगा ठीक है। और ये जो आपको क्लोरोप्लास्ट दिख रहा है इसके बारे में सबसे बड़ा चौंकाने वाला खुलासा ये है कि ये जो क्लेमाइडोमोनस जो है ये खुद ही एक ही क्लोरोप्लास्ट कैरी करता है, जबकि प्लांट के हर सेल में, जब हाइयर प्लांट के हर सेल में आप देखेंगे 20 हो सकता है, 30 हो सकता है, 40 हो, मतलब 20 से 40 तक के बीच में उसका नंबर वेरिएबल होगा। एंड द नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, द नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, मतलब जिस प्लांट के पास जिस पौधे के पास जितना ज्यादा फोटोसिंथेसिस जितना ज्यादा क्लोरोप्लास्ट होगा वो उतना ज्यादा फोटोसिंथेसिस करने का काम करेगा ठीक है। आगे जब हम लोग बढ़ें तो ये अपने फूड को ऑयल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में भी स्टोर कर सकते हैं, जैसे अगर आप क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर को देखेंगे तो उसमें क्या है, हम लोग एक अलग से लिखते ही ऑयल ड्रॉपलेट बनाते ही हम उसको ठीक है। मैं शुरू कर देती हूँ आपको, क्या मेरा बोलने का मतलब है, ये आपके एनसीईआरटी डायग्राम देखिए, जो ऑयल ड्रॉपलेट आप बोल रहे हैं उसको यहाँ पे क्या लिखा गया, लिपिड ड्रॉपलेट बोला गया, क्या बोला गया, क्योंकि ऑयल किसकी कैटेगरी में आता है, लिपिड्स की कैटेगरी में आता है ना। तो यहाँ देखिए नीचे ये जो है लिखा हुआ आपको यहाँ पे, ये देखिए लिपिड ड्रॉपलेट है ना लिखा हुआ, तो ऐसे करके जो मैंने बोला ऐसे गोले गोले सा बना देते हैं, इसको हमें क्या करें भाई स्टोर करने का काम करता है। लेकिन अगर हम क्लेमाइडोमोनस के बारे में बात करें तो क्लेमाइडोमोनस की खासियत ये है, उसके पास सिर्फ सिर्फ और सिर्फ एक ही क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। अगर हम इसको बिल्कुल प्रोमिनेंट देखना शुरू करें क्लेमाइडोमोनस में, एक ही ये क्या करेगा क्लोरोप्लास्ट को कैरी करेगा, ये अलग से स्पेशल क्वेश्चन ही पूछा जाता है। ये देखिए
अब ये जो पूरा ये एरिया यहाँ पे ये ग्रीन वाला जो ऑक्यूपाई करने का काम कर रहा है ना, ये सब अभी अभी आपने देखा ना, तुरंत क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर भी डिलीट किया मैंने, ठीक है। अब उसको ना यहाँ पे ध्यान से इन सब को देखिए, यही तो था। लेकिन अभी अभी तो मैंने आपको पढ़ाया ना कि इसका बहुत सारा शेप हो सकता है, तो यहाँ पे देखिए उसी ने सेम क्लोरोप्लास्ट ने क्या किया, ऐसा शेप अक्वायर कर लिया। ऐसा ही स्ट्रक्चर था या नहीं था बताइए, ओवल शेप वाला यही था ना, मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, मैं इसके बारे में बात कर रही हूँ। देखिए मुझे करना चाहिए, थोड़ी जल्दी कर दी मैंने, देखिए इसके बात में कर रही हूँ। इस सेम स्ट्रक्चर को शेप बदल के देखिए, इसकी बात नहीं कर रही, ये आप ही एनसीईआरटी का प्लांट फिजियोलॉजी का डायग्राम है, मैं कहीं दूर से नहीं लाई हूँ। हाँ, मेरा ये बोलने का मतलब है कि ये वाला जो डायग्राम है, ये क्या ये वाला डायग्राम यहाँ नहीं बैठा हुआ, ये वाला, ये अंदर, समझे क्या बोल रही मैं, ये अंदर जो डायग्राम है यही तो है, देखिए शेप बदल गया है इसका, यस और नो। आपको यहाँ पे भी ऐसे 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 थैलाकॉइड दिख रहे हैं, वो तो फिर मैं आगे बताऊंगी आपको। इसके अंदर भी आपको दिख रहा है यहाँ पे थैलाकॉइड, मतलब स्ट्रक्चर अंदर वाली जो चीजें है ना वो देखिए मिल रही है, यहाँ पे मैच कर रहा है। तो फिर बस फर्क क्या है, तो फर्क छोटी सी चीज का है, शेप बदल गया है इसका। और एक अगला डिफरेंस क्या है, अगर मैं बोलूँ इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है भाई, यहाँ पे ना नॉर्मल सा एक आपको क्लोरोप्लास्ट बना हुआ है, इसके अंदर आपको कहीं पे भी कोई भी पायरेनॉइड नहीं दिख रहा है। और यहाँ पे क्या है, ये देखिए कितना बढ़िया एक पायरेनॉइड जो है वो आपको नजर आ रहा है। तो ये स्पेशलिटी है यहाँ पे किसके बारे में, क्लोरोप्लास्ट के बारे में, ठीक है। और क्लेमाइडोमोनस है तो और भी ज्यादा क्या हो जाता है, स्पेशल हो जाता है आपके लिए, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया। छोटा छोटा देखिए माइटोकॉन्ड्रिया भी दिख रहा है यहाँ पे, क्रिस्टल क्लियर है सबको, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। तो ये रहा, इसके बारे में हम मैम लोग बीच सबसे में बात वो करें वैक्यूल है, क्या, मैम बीच में वो वैक्यूल है तो नहीं न्यूक्लियस वैक्यूल यहाँ लिखा हुआ तो क्या बोल रहा है, मुझे कुछ क्लियर सुनाई नहीं दे रहा, फिर से बोलिए। ये सारी चीजें तो देखिए आपको पता है, ये रहा क्लोरोप्लास्ट है इसके हाँ अंदर, ठीक है। हाँ वो तो हाँ, सीलिया है, आगे सेल चैप्टर में मैं आपको पढ़ाऊंगी, पता है क्या, सीलिया के अंदर का जो स्ट्रक्चर होता है ना, मतलब अंदरूनी जो पार्ट जो उसको अटैच करता है उसको बेसल बॉडी कहते हैं। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल तो होगा ही होगा इसके पास, ठीक है। सेल वॉल है इसके पास, मैम इसके पास मैम प्लांट ट्रू वैक्यूल नहीं प्रेजेंट होता है मतलब मैम, जो मैम प्लांट सेल में बड़ा सा एक वैक्यूल होता है मैम वो नहीं प्रेजेंट होता है इनमें। नहीं, वो प्लांट ही सेल में होगा बस, बेचारा छोटा सा तो है, इसमें क्या क्या प्रेजेंट कीजिएगा, है ना। गोल्जी बॉडी है इसके पास, स्टार्च, यहाँ पे इतनी चीजें हैं, ये बेचारे तो इतने कंजेस्टेड प्रेजेंट है, यहाँ पे क्यों कहाँ लेके जाइएगा अंदर, स्टार्च ग्रेन्यूल है यहाँ पे, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया देखिए छोटे छोटे दिख रहे हैं आपको यहाँ पे, बाहर वाला है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, पायरेनॉइड तो आपने अभी भी सीखा ही है। और नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, आपको एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर जो देखने को मिल रहा है, तो लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है, प्लास्टोग्लोब्यूल लिखा हुआ है। तो ये कुछ ऐसे स्पेशल टर्म है जो आपको कहाँ देखने को और सुनने को मिलेगा। तो प्लास्टोग्लोब्यूल जो है यहाँ पे, ये किसको बोला जा रहा है, जब यहाँ पे लिपिड ड्रॉपलेट के साथ ये एसोसिएटेड होगा, जैसे कैसे अभी हमने लिपिड ड्रॉपलेट लिखा था या ऑयल ड्रॉपलेट लिखा था, तो इस क्लेमाइडोमोनस के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका नाम प्लास्टोग्लोब्यूल रख रहे हैं, ठीक है। तो साफ सीधी सी बात है कि लिपिड ड्रॉपलेट्स के साथ जब ये पतला पतला ग्रीन ग्रीन जो आपको दिख रहा है ना, इसको हम लोग थैलाकॉइड बोलते हैं, जब ये एसोसिएटेड होता है इसको हम लोग प्लास्टोग्लोब्यूल बोलते हैं, ठीक है। और आई स्पॉट है इसके पास, क्या होता है, एक स्पेशल जो है आई स्पॉट अवेलेबल होता है जो हेल्प करता है ट्रैपिंग ऑफ सोलर एनर्जी में, ठीक है। बस इतनी सी बात है यहाँ पे, क्लियर है सबको, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ने का मतलब असाइनमेंट क्वेश्चन करते हैं। मैंने हर क्लास में आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन देना स्टार्ट कर दिया, पिछली क्लास में जो दिया था किया था आपने, कंपेयर किया था आपने और नोट yes, लिखा था आपने बेसिक फीचर के ऊपर, हाँ मैम, चलिए ठीक है, असाइनमेंट क्वेश्चन देखिए।
आज तो 10 क्या 20 क्या इतने असाइनमेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते, है ना। बहुत ज्यादा क्वेश्चंस फॉर्म हो सकते हैं आज की क्लास से, बहुत सारी चीजें आपने सीखी हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। मेंशन द साइट ऑफ अकरेंस ऑफ मेंशन द साइट ऑफ अकरेंस ऑफ पाइरेनोइड्स। क्या लिखेंगे, कहाँ पाया जाएगा ये? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के अंदर देखा दूसरा वाला डायग्राम काफी क्रिस्टल क्लियर था, उससे बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। मेंशन रिजर्व फूड, ये शायद मैंने पिछली क्लास में भी दिया था, रिजर्व फूड इन क्लोरोफाइसी में लिख लीजिए। अभी नॉर्मली जैसे हम लोग बात करेंगे ना ऐसे बेसिक तरीके से, पाइरेनोइड्स भी होगा, ऑयल ड्रॉपलेट्स भी होगा, सब कुछ होगा, बट ऐसे नॉर्मली अभी आप क्या कीजिए, ये मैंने आपको सिखा रखा है, स्टार्च लिख लीजिए, ठीक है। देन व्हाट आर पाइरेनोइड्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफी ज्यादा पूछा है। बाकी सारी चीजें क्या है, बच्चों वाले पॉइंट्स, अब इतना आसान तो पूछा नहीं जाएगा आपसे। कंफ्यूज किस में करते हैं बच्चे, पाइरेनोइड्स में, ठीक है, तो इसलिए ये ज्यादा पूछा जाता है। इसमें लिखिए पाइरेनोइड्स, पाइरेनोइड्स कंटेन प्रोटीन बिसाइड्स स्टार्च, मतलब समझ रहा है इसमें। और एक और चीज है, एक दूसरा फॉर्मेट क्वेश्चन का है जो आपको दिखेगा कई जगह पे पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर में, दूसरा क्वेश्चन का फॉर्मेट ये है कि पाइरेनोइड्स के कॉम्पोजिशन में क्या क्या हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट प्लस लिपिड, प्रोटीन प्लस स्टार्च, स्टार्च प्लस प्रोटीन, प्रोटीन प्लस प्रोटीन प्लस फैट। तो आपको याद रखना है कि प्रोटीन और स्टार्च दो ही चीजें आपने इसके अंदर पढ़ी है, तीसरी कोई चीज जो है आपने इसमें नहीं पढ़ी है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे लिख लीजिए, मेंशन द नेचर ऑफ of cell wall of chlorophyte, chlorophyte के cell wall का nature क्या होता है? Ectophilic। इसके सेल वॉल को जब हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं तो क्लोरोफाइसी हैव अ रिजिड सेल वॉल। रिजिड मतलब आप समझते हैं रिजिड है, स्टिफ होगा, रिजिड होगा, हार्ड होगा, रिजिड सेल वॉल। ये सेलुलोज का भी बना और तो और पेक्टोज और ज्यादा रिजिडिटी प्रोवाइड करने के लिए चला जाता है इसके पास।
हैव अ रिजिड सेल वॉल, मेटापोर लिखी रखी है लाइन मैंने, मेटापोर इनर लेयर ऑफ सेलुलोज, इनर लेयर ऑफ सेलुलोज inner layer of cellulose and an outer layer of pectose, bus finish pectose ये हो जाएगी ऊपर करके हो सकता है आपको दिखना रहा हो या ऐसे भी दिख जाएगा बच्चे यहाँ तक क्लियर है बिल्कुल इन क्वेश्चंस में या आंसर में कोई दिक्कत तो नहीं किसी को क्लियर है बिल्कुल यस मैम चलिए नेक्स्ट फिफ्थ में लिख रही हूँ यहाँ पे How many chloroplasts are present? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये इन क्लेमाइडोमोनस एक ही होगा इसके पास उसमें लिख लीजिए क्लेमाइडोमोनस कंटेन्स कंटेन्स ओनली वन क्लोरोप्लास्ट ओनली वन क्लोरोप्लास्ट नेक्स्ट सिक्स्थ लिखिए गिव सम इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स ऑफ सम इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स ऑफ ग्रीन एल्गी चलिए मैंने ट्रिक के तौर पे आपको याद करा ही रखा है एग्जाम में अगर आपको एग्जाम्पल्स लिखने को आता है क्योंकि इधर मैं कॉपी चेकिंग जब स्टार्ट कर रही हूँ कुछ टेस्ट वेस्ट लेके तो मतलब कुछ एरर हैं जो बच्चों की कॉपी में नज़र आ रहा है और जो एरर आप भी करते होंगे एग्जाम में अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आता है तो कभी भी ऐसा नहीं करेंगे कि क्वेश्चन आप लिखना स्टार्ट कर रहे हैं बस कॉमा 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 डाल के आप एक ही लाइन में सारा एग्जाम्पल चिपका रहे हैं जब कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए और आपको अगर याद है कॉन्फिडेंटली तो आपको करना क्या है उसको ऊपर से नीचे की सीरीज में लिखेंगे हमेशा हमेशा के इस बात को याद रखेंगे ठीक है जब भी करेंगे तो उसको हमेशा ऊपर से नीचे की सीरीज में जैसे अब एक तो आप वेल नोन जानते ही हैं क्लेमाइडोमोनस ठीक है देन हमेशा ऊपर से नीचे की सीरीज में इसको बिठा लीजिए गांठ बांध के दिमाग में उसको हमेशा जब भी लिखेंगे ऑलवेज ऊपर से नीचे की सीरीज में लिखेंगे ऐसे नहीं कॉमा क्लेमाइडोमोनस कॉमा कारा करके एक लाइन में चिपका दिया हो सकता है एग्जामिनर जल्दी में हो जल्दबाजी में चेक कर रहा हो अच्छा बच्चे ने लगता है एक ही लिखा है क्या पढ़ना भूल जाते इसमें क्या होता है मतलब आपको अपने आंसर को ना ज्यादा से ज्यादा आई कैचिंग बनाना है मतलब कैसे वो दिखे एग्जामिनर को ठीक है पढ़ाई हर कोई पूरा पूरी इंडिया में जितने बच्चे हो पढ़ाई कर रहे हैं और अब आज के डे में तो नीट देने वालों का नंबर 20 लाख हो गया है तो आखिर आपको अलग कौन करेगा तो आपका नीट का एग्जाम हो चाहे बोर्ड का एग्जाम हो आपका रिप्रेजेंटेशन ही अलग करेगा आपको ठीक है देन है हमारे पास कारा देन स्पाइरोगायरा याद हो गया ना एग्जाम्पल सबको मैंने याद करा दिया आज की क्लास में आपको स्पाइरोगायरा
यूरोथ्रिक्स एंड देन वॉल्वेट्स, बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स हैं ये वॉल्वेट्स। अगला क्वेश्चन लिखिए, नेम द जूस्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर, क्या लिखेंगे आंसर इसका? जूस्पोर एमजीए, क्या लिखेंगे आंसर? जूस्पोर एमजीए, जूस्पोर एमजीए, याद आया? अगर एक बोलना चाहते हैं तो जूस्पोर एमजीएम बोलिए, अगर आपका मन एक से ज्यादा बोलने का कर रहा है तो जूस्पोरेंजिया बोलेंगे। अब ये जूस्पोरेंजिया हो जाएगा, ये फर्क है स्पोरेंजिया और स्पोरेंजियम में। जूस्पोरेंजियम का मतलब वन, जूस्पोरेंजिया का मतलब है आप एक से ज्यादा बोलना चाह रहे हैं, ठीक है? तो ये चीजें हैं यहाँ पे। ये क्वेश्चंस हो गए, लिख लिया सबने? इसमें कोई डाउट तो नहीं किसी को? ये क्वेश्चन सिक्स क्वेश्चन जैसे है, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्जाम में। सिक्स क्वेश्चन जो मैंने आपको एग्जाम्पल, अब हर एग्जामिनर को पता है कि एटलीस्ट कम से कम, या फिर जैसे होता है कि कई बार ना 2 एग्जाम्पल लिख के और बच्चे 2 मार्क्स लेने के लिए आ जाते हैं, तो मैं तो जब भी क्वेश्चन पेपर बनाती हूँ तो मैं उसमें लिख ही देती हूँ कि गिव 4 एग्जाम्पल्स ऑफ ग्रीन एल्गी या क्लोरोफाइसी, ठीक है? उसमें ये डिसाइड हो जाता है कि ईच एग्जाम्पल के ऊपर बच्चे को हाफ मार्क देना है, ठीक है? तो और हालांकि मैंने आपको मार्किंग स्कीम सिखा रखी है, मैंने हमेशा आपको बताया है कि आपके सब्जेक्टिव एग्जाम की मार्किंग स्कीम ही यही है 11th क्लास के बाद, 11th के आगे जब आप पढ़ाई करना स्टार्ट करते हैं कि बच्चे को 1 पॉइंट के लिए हाफ मार्क मिलना है। तो वैसे भी दिमाग में बिठा लीजिए कि अब एक वर्ड के ऊपर, तो हाँ सेक्शन ए की बात अलग है, जो 1 वर्ड आंसर के लिए होता है उसकी बात हम लोग नहीं कर रहे, हम लोग यहाँ पे सेक्शन बी सी डी और ई की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो ऐसे ही मैंने आपको फॉर्मेट भी सिखाया और इसी तरीके से लिखेंगे, ये भी बात मैंने आपको बताई। चलिए आगे चलते हैं, मेंशन 7th हो गया था ना, मेंशन द पॉसिबल shapes in chlorophyces। और ये भी शेप भी आपको पता है बहुत अच्छी तरह, ठीक है? सारे शेप्स यहाँ पे लिख दीजिए आंसर में। जो जो शेप आप जानते हैं, रिबन शेप, डिस्कॉइड शेप, डिस्कॉइड शेप, कप शेप, स्पाइरल, प्लेट लाइट, प्लेट लाइक, रेटिकुलेट मतलब वेब जैसा भी हो सकता है, जैसे कहते हैं रेटिकुलेट।
लेते हैं। मेंशन द हैबिटेट ऑफ ग्रीनरी, इसमें लिखिए, बताइए आपको फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर, क्वेश्चन लेते फाइव नंबर के लिए, फाइव मार्क्स के लिए, राइट अ डिटेल्ड नोट। और सीधा क्वेश्चन तो आपको कभी नहीं आएगा, उम्मीद छोड़ दीजिए। तो आपको किसी भी एक एग्जांपल को लिख के और बोला जाएगा उसकी क्लास के बारे में कंप्लीट डिस्क्रिप्शन देना है। राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन क्लास ऑफ स्पायरोगायरा। अब बच्चे को पहले ये तो याद आए कि उसने स्पायरोगायरा किसके एग्जांपल में पढ़ा है। ऐसे करके इसमें जो है वो बच्चे फंसते हैं। तो मतलब आपसे यहाँ पे किसका पूछा जा रहा है, ग्रीन एल्गी जो है, ग्रीन एल्गी का यहाँ पे पूछा जा रहा है। ठीक है, और एक पेज है यहाँ पे, ये तो लिख लिया, 10 क्वेश्चंस हो गए सबके। यस मैम। आपका एक होमवर्क ये है, मैं देना भूल गई क्वेश्चन में, हालांकि क्वेश्चन में देना भूल गई, बट हाँ ये रहा। इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे। अब डायग्राम में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, अब ऐसा नहीं है कि आप सोचने लगे करना क्या है, ऐसे एक ओवल सा शेप बना देना है और यहाँ पे आपको यहाँ पे क्या करना है, सारे लेवल्स जो है वो कर देना है। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, ये डायग्राम बना लेंगे आपसे। ठीक है, इस डायग्राम को बनाना मस्ट है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो रही हैं। बस मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, ये जो एक आई स्पॉट है और एक प्लास्टोग्लोब्यूल है, ये मैं नोट करके लिख देती हूँ। ठीक है, इसी का नेक्स्ट पेज में ले रही हूँ, नोट करके एक लिख लीजिए क्योंकि जगह जगह अभी आई स्पॉट आएगा आपको। आई स्पॉट इन क्लेमाइडोमोनस, ये क्लेमाइडोमोनस के बारे में जब हम बात करते हैं, इन क्लेमाइडोमोनस, इन क्लेमाइडोमोनस आई स्पॉट, द आई स्पॉट, एक साथ ही लिखिए आई स्पॉट, एक साथ भी रहता है कभी कभी अलग अलग भी रहता है। आई स्पॉट इस पार्ट ऑफ द, मैं अभी दिखा रही हूँ ध्यान से आपको क्या बोलना चाह रही है, पार्ट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट and
यहाँ पे ना आपको इसके दो लेयर में अभी शो करती हूँ आपको, एंड टेक्स ऑन द अपियरेंस 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 ऑफ अ मेम्ब्रेनस सैंडविच स्ट्रक्चर, क्योंकि यहाँ पे ना इसके टू लेयर्स दिखते हैं जिसकी वजह से उसको बोला जाता है, ठीक है, सैंडविच स्ट्रक्चर जो है ये शो करता है। और ये आपको जब भी दिखेगा ना तो क्लोरोप्लास्ट के मेम्ब्रेन के साथ एसोसिएटेड दिखेगा। ये देखिए तो प्रीवियस पेज पे इमेज है हम लोगों के पास, तो यहाँ पर मैं इसकी बात कर रही हूँ। ये देखिए इस इमेज को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एक बात का पता चलेगा कि यहाँ जो इसके पास आई स्पॉट अवेलेबल है ऑलरेडी, ठीक है, जैसे ये देखिए यहाँ जो ये आई स्पॉट दिख रहा है दिस वन, तो ये क्लोरोप्लास्ट के मेम्ब्रेन के साथ एसोसिएटेड है। यहाँ पे ये कहीं बीच में भी हो सकता था बट नहीं, इसको आपको जब भी देखने का मन करेगा जहां भी जिस भी इमेज में आप देखना चाहते हैं आपको हमेशा हमेशा और हमेशा जब भी दिखेगा तो क्लोरोप्लास्ट के मेम्ब्रेन के साथ ये एसोसिएटेड होता है। और टू लेयर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं जिसकी वजह से बोला जाता है कि कैसा ये स्ट्रक्चर शो करता है, सैंडविच लाइक स्ट्रक्चर शो करने का ये काम करता है, ठीक है। चलिए आई स्पॉट समझ आया सबको, आगे बढ़े हम लोग। एक लास्ट बस लिख देती हूँ आपको, क्लास को दे दी बस फिनिश करेंगे हम लोग अगली क्लास में करेंगे। एक और लिख लीजिए क्लास तक लिख लीजिए, क्लास टू लिख लीजिए। अब जस्ट ऐसा ही इसी का होमोलॉगी शो करता हुआ मैंने ऑयल ड्रॉपलेट वाला स्ट्रक्चर जो है आपको एक डिटेल्ड क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर के अंदर दिखाया था, ठीक है। तो अब यहाँ पे उसको क्या नाम दिया गया है, प्लास्टोग्लोब्यूल का नाम दिया गया है, जिसमें लिपिड और प्रोटीन जो है वो दोनों एक साथ होता है, तो हम लोग इसको किसका नाम देते हैं, प्लास्टोग्लोब्यूल का नाम देते हैं, ठीक है। तो इसमें लिख लीजिए प्लास्टोग्लोब्यूल्स, प्लास्टोग्लोब्यूल्स आर, जब लिपिड प्रोटीन एक साथ हो तो उसको हम लोग लाइपोप्रोटीन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लाइपोप्रोटीन, लाइपोप्रोटीन। लाइपोप्रोटीन इनसाइड क्लोरोप्लास्ट, हो गया ये आज की क्लास में, कोई डाउट तो नहीं किसी को? नो मैम। क्लियर है बिल्कुल? यस मैम। चलिए डिटेल एक्सप्लेनेशन हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में।